पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी भारी संख्या में अपने लाडले, अपने भाई बेटे अजीज दिग्विजय को आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे। और उसके साथ धन्यवाद करूंगा आदरणीय केजरीवाल जी का, जो स्पेशली 26 जनवरी जैसे व्यस्त दिन के अंदर भी समय निकालकर आज हमारे बीच में पहुँचे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि एक परिवर्तन की नींव जिसके लिए हम सब मिलकर लड़ रहे थे, आज का दिन इतिहास में रचा जाएगा कि पुरानी अनाज मंडी जींद के अंदर से मिलकर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत नींव रखने का काम किया है। साथियों, क्योंकि प्रचार का समय बहुत कम बाकी है और आप सब अरविंद जी को भी सुनने यहाँ पहुँचे हैं, मैं ज्यादा ना कहते हुए एक चीज आपके बीच में रखना चाहूंगा कि लोगों ने बहुत बातें इन दिनों में करी, बहुत दुष्प्रचार किया, बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई, पर मैं बधाई दूंगा एक एक कार्यकर्ता साथियों का कि आज आपकी मेहनत की बदौलत आज कोई अखबार उठा लो, कोई टीवी चैनल खोल लो, फेसबुक खोल लो, ट्विटर खोल लो, अगर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, अगर सब अपना किसी से मुकाबला मानते हैं तो इस 28 साल के छोट से मुकाबला मांगते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, लोग कहते थे ये तो 200-300 छोरों का टोड़ है, आज आपने इस पांडु पिंडारा की पावन धरा 9 तारीख को भी पहुंचकर राज जींद की इस मंडी को खचाखच भर के ये साबित कर दिया कि ये छोरों का टोल नहीं है, ये परिवर्तन करने वाले क्रांतिकारियों का टोल है। ये जींद का चुनाव ये क्रांति लाने का काम करेगा और मैं आपको बताता हूं, ये क्रांति केवल मात्र जींद तक सीमित नहीं रहेगी, ये क्रांति यहां से चलेगी और यहां से चलकर दिल्ली के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेगी। साथियों, 3 महीने में लोकसभा का चुनाव है और आपका ये उपचुनाव का नतीजा मोदी जी को हिलाने का काम करेगा। मैं तो सुन रहा था कि लोग कहते हैं मोदी की पूरी टीम आ गई, मैं बधाई दूंगा आप जैसे कार्यकर्ता साथियों का कि आपने 8 मंत्री और हरियाणा का मुख्यमंत्री जींद की सड़कों पर इतना दौड़ा दिया जो 4.5 साल में भी दौड़ने नहीं आए। साथियों, मैं तो हैरान था, खट्टर जी कल बड़े मोदी जी के शायरा नाज आज में बोल रहे थे कि दस है दिग्विजय, दस है दुष्यंत, दस है दुशासन। खट्टर साहब, आप ये भूल गए, दस है डेवलपमेंट भी होता है। खट्टर साहब, आप कह रहे थे कि दुष्यंत परिवार की नहीं सोचता, मेरा तो ब्याह हुए 2 साल हुआ है, खुश हूँ, परिवार खुश है, परिवार समृद्ध है, मगर आप ये बताओ आपका परिवार कड़े है, आपकी सोच में टिप्पणी करने का काम करते हो। मैं तो एक चीज साथियों बोलना चाहूंगा, आज यहां पर व्यापारी साथी इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं देख रहा था आते वक्त लोग अपनी रेडिया बाहर छोड़कर यहां सभा के अंदर आए, लोग हम पे आरोप लगाते थे कि हम रेडी लूटा करते थे। भाई, हमें तो जमने जुम्मा जुम्मा 50 दिन हुए हैं और 50 दिन पहले 6 लाख लोगों की एक रैली कर दिखाई थी, कोई एक रेडी फर्री अड़ा हो जो कहता हो मेरे 5 रुपए छोड़ दिए। पर मैं एक विश्वास आज आपको उसके प्रति बताने का काम करूंगा कि इस उपचुनाव से प्रदेश में आपका राज बनेगा और ये मेरा वादा है और मैं अरविंद जी को साथ लेकर ये वादा करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, ये दिल में रखना, इन खागड़ों और गुंडों से मुक्ति दिलाने का आपको काम करूंगा। साथियों, मेरी एक विनती प्रार्थना आपसे, अब समय बहुत कम है, मात्र 48 घंटे से कम समय बाकी है, 5 बजे 28 तारीख को पोलिंग बंद हो जाएगी, मगर इन 48 घंटों में इतना कप्लेट कर दो जैसे अरविंद जी ने दिल्ली में झाड़ू चलाई थी, अगर बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, और भाई मैं तो सच सच कहूं
इनेलो वालों का तो हाल यही है, सोते हैं तो कप प्लेट दिखता है, उठते हैं तो कप प्लेट दिखता है। और अगर सपने के अंदर सपना लेते हुए कोई खड़का हो जाए तो शायद कई ऐसे लोग दली है जो कूद के भी कप प्लेट बोलने का काम करते हैं। तो मेरी तो एक विनती प्रार्थना आपसे है कि अब समय विकास की बात करने का है, समय उन्नति का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि समय कम है, अब आपने मिलकर जींद की उन्नति की बात करनी है, जींद के विकास की बात करनी है। आज चाहे सड़कें हो, 11 साल से जींद का बाईपास पेंडिंग पड़ा है। जो लोग कहते हैं हमने विकास कराया, जींद को तो इनने पीसने का काम किया। हुड्डा साहब रोहतक की बात करते थे, सुरजेवाला जी कलायत की बात करते थे और दोनों के बीच में जींद पिसता था। खट्टर साहब को भी 4.5 साल बाद आज जींद का विकास याद आया है। ये फैसला आपने करना है। आज जींद के सिविल हॉस्पिटल की यह हालात है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर जहाँ जो पर्याप्त मात्रा डॉक्टरों की होनी चाहिए थी, आज 1/3 मात्रा के अंदर उस अस्पताल को चलाने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा की तो ये हालात है, एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज यूनिवर्सिटी की हालात कॉलेज से भी बदहाल है। आज ये हालात है कि स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हमें इस व्यवस्था को सुधारना है। और भाई परसों रात को आधे घंटे बारिश आई थी, सीवर की और सड़कों की हालात तो मेरे ख्याल से आप में से एक एक व्यक्ति ने देखने का काम किया। कल आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथियों ने पूरे जींद को डोर टू डोर किया। मुझे नहीं लगता इनमें से एक साथी भी रात शाम को जब घर गया होगा तो उसके जूते पे कीचड़ नहीं होगा। आज तो जींद के आधे हिस्से की यह हालात है कि हमें सड़कें ढूंढनी पड़ती है, इतने ज्यादा गड्ढे हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आज हमें डेवलपमेंट की ओर जाना पड़ेगा, विकास की बात करनी पड़ेगी। और मेरी तो आप सबसे यही अपील है कि विकास के लिए हमें सबको एक लेकर, सबको आगे बढ़ाकर आगे चलने का काम करना है। मैं अंत में एक ही लाइन बोलूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है, सबको साथ लेकर चलना ये सोच हमारी है, हमेशा लड़ेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई, जींद का विकास, ये हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, आज जींद के विकास की हमने बात करनी है। और जींद का विकास जब ही होगा जब मंडी में बैठा मेरा एक एक व्यापारी साथी विकास की ओर एक एक बटन, कप प्लेट का बटन दबाकर डालने का काम करेगा। जींद का विकास जब भी होगा, रेडी लगाने वाला एक एक छोटा व्यापारी, नाई की दुकान चलाने वाला, चाय की थैली चलाने वाला एक एक व्यापारी साथी मन में ये विश्वास रखेगा कि अगर जींद की कोई आवाज बन सकता है तो 28 साल का छोट दिग्विजय सिंह बन सकता है, आपका भाई आपका लाडला बन सकता है। मैं तो दोबारा अरविंद जी का आज 26 जनवरी को हमारे बीच में समय निकाल कर आने पर आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और यही विनती करता हूँ कि आप सब इसी तरीके से आगे बढ़ने का काम करें। लोग तो रोकते रहेंगे, लोग तो अफवाहें फैलाएंगे, लोग तो हमारी टांगे भी काटने का प्रयास करेंगे, पर मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है। दरिया की जिद है, रास्ता नहीं दूंगी, हम सब ने तय कर लिया, मिलकर समंदर हमने पार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।